नमस्कार दोस्तों, आज हम फिजिक्स के पार्ट 10 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, मूल परावलयी पथ के साथ साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौराहे पर पानी की फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्यों, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है, पानी का वेग ज्यादा होता है इसीलिए दाब घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ये तीनों भारतीय शोध रिएक्टर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा, दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ध्रुवों पर भार अधिकतम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर ए हो जाएगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता रहता है। ठीक है, इसीलिए कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरते। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 24 घंटे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा दोस्तों समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे विषैली मछली कौन सी है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, पाषाण मछली। ठीक है,